दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यमुना ने क्यों नहीं की वासुदेव जी की सहायता, चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। इससे पहले हमारे चैनल प्रियांश शुक्ला को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब उनके पिता वासुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल जा रहे थे, लेकिन उसी दिन भारी बारिश होने के कारण यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को देख कर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि यमुना को वासुदेव जी की सहायता करनी चाहिए थी, ऐसे में वासुदेव जी गोकुल कैसे पहुँच पाएंगे। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि यमुना वासुदेव जी की मार्ग नहीं रोक रही है, बल्कि वह अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रही है, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री होने के कारण उसमें ताप प्रज्वलित रहता था और इसी वजह से यमुना जहां पर भी जाती वहां पर ऋषियों की तपस्या खंडित हो जाती। और एक बार ऋषियों ने यमुना को धरती पर काली के रूप में जाने का श्राप दे दिया। तब विष्णु ने यमुना को यह वरदान दिया कि जब वे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाएंगे तब उनके चरण स्पष्ट से ही यमुना का उद्धार हो जाएगा। और इसी कारण से यमुना वासुदेव का मार्ग नहीं रोक रही थी, बल्कि वह अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रही थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।